India's fastest growing school chain presents Shemford School, Jaganpura Road, Patna. Admission opens for pre-nursery to standard 8. Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 95340-9866. परम ज्योति श्री कल्कि अद्भुत वरदान में मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा में भाग लेने वाले आप सभी भक्तों को और साधकों को मेरा नमस्ते। एक अद्भुत ऐसी यात्रा 12 हफ्ते की हमने पिछले कुछ अलग अलग प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हुए बहुत ही मंगलमय रूप से पार की है। श्री कल्कि के ज्ञान को श्री अम्मा भगवान ने इतने सुंदर तरीके से हम सबको सिखाया और पिछले हफ्ते में तो हमने अलग अलग प्रकार की समस्या के निवारण के लिए वरदान भी मांगा। आपने कई अलग अलग विषयों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, भगवान के साथ जुड़ने के बारे में और भगवान से प्रार्थना करने के विषय में इन सारे भागों में ज्ञान को हासिल भी किया है। कर्म के सिद्धांतों को आपने सुना है, तो इस प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रहना है तो आपको मेरे साथ इस यात्रा के लिए तैयार रहना है। इस बार हम एक खास संकल्प के साथ भगवान से वरदान को हासिल करने वाले हैं। ध्यान में रखिए, ये भगवान आपके भगवान हैं। ये भगवान कल्कि भगवान हैं। कल्कि गणेश, कल्कि लक्ष्मी, कल्कि भोलेनाथ, कल्कि अम्मा भगवान। जिस किसी रूप में आप कल्कि को मानते हैं, जिस किसी रूप में आप अपने भगवान की आराधना करते हैं, वो भगवान आपको इस वरदान को दे रहे हैं। तो इस बार हम कल्कि से यानी अम्मा भगवान से आरोग्य के वरदान को हासिल करने जा रहे हैं। चलिए इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले कुछ भक्तों के अद्भुत अनुभव को हम सुनते हैं। नमस्ते, श्री कल्कि शरणम। मैं शैल तिवारी, झारखंड धनबाद से। मैं मेरे बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। पिछले साल मेरा बेटा जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वहाँ डॉक्टर्स ने भी उसके इलाज के बाद बोल दिया था कि अब सभी कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बेटा मेरा ठीक नहीं हुआ था। वहाँ से वो धनबाद चला आया, उसी अवस्था में धनबाद आ गया। और धनबाद आने के बाद जब मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाई तो यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है इसका केस। इसका दोनों किडनी फेल हो चुका है, इसका लीवर फेल हो गया है और इसका स्प्लीन भी खराब है, इसका हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा है। मात्र 4 ग्राम हीमोग्लोबिन है बॉडी में। इसका यहाँ धनबाद में कहीं कोई इलाज नहीं है, आप अगर हो सके तो इसको ले जाइए बाहर। जब उसको बाहर लेकर गई मैं, वहां पर डॉक्टर ने देखा, वहां भी वही बात, वो बोले कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ ठीक करने का। जब 2-3 दिन हो गया, चौथे दिन सुबह की बात है, डॉक्टर ने कहा कि अगर आज ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आता है, अगर इसका कुछ भी अगर सही नहीं आता है, इसी तरह का रिपोर्ट आता रहेगा, तो आप लोग इसको लेकर कहीं और भी लेकर इसको जाइए इलाज के लिए। हम लोग बहुत ज्यादा घबराहट में थे, भगवान से बार बार प्रे कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे भगवान इसको सही करो, इसको संपूर्ण आरोग्य दो। और उसी दिन की बात है कि जब पूरा रिपोर्ट उसका चेक होकर आया, डॉक्टर आए, डॉक्टर जब देखे वो खुद सर पकड़ के वहां पे बैठ गए। उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि सारा रिपोर्ट उसका नॉर्मल था, कोई किडनी खराब नहीं था, कोई लीवर खराब नहीं था, कोई उसका स्प्लीन खराब नहीं था, हीमोग्लोबिन भी 9 था, जो कि 4 था वो 9 हो चुका था। और ये सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन का, मेरे बच्चे के साथ जो अम्मा भगवान ने किया, मैं इसके लिए अपने अम्मा भगवान को शतकोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। भगवान सभी के साथ ऐसा चमत्कार करें। मैं अपने श्री कल्कि को धन्यवाद करते हुए नमन करती हूँ। थैंक यू अम्मा भगवान, थैंक यू सो मच। नमस्ते अम्मा भगवान सर। नाम
मेरा नाम पीयूष राज, मैं बिहार शरीफ नालंदा से क्लास 5 में पढ़ता हूँ। आज मेरे साथ चमत्कार हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अम्मा भगवान ही बहुत ही चमत्कारी भगवान है, बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। मेरे फिंगर में, मतलब कि मेरी उंगली में फ्रैक्चर हुआ था। उसी को मैंने अम्मा भगवान से प्रार्थना किया कि अम्मा भगवान मेरा फ्रैक्चर सही कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, दर्द नहीं हो। उसके कल हो गए, मैं हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रहा था। उसके बाद मैं जैसे ही तैयार हुआ, देखा मेरा उंगली में तो सब चीज़ पेन दर्द हो रहा था, सब कुछ बंद हो गया, उंगली भी सही से फोल्ड हो रही है। ये रहा अम्मा भगवान कल्कि का चमत्कार। आरोग्य प्रदान कर दे श्री भगवती भगवान की जय। ओम थैंक यू अम्मा भगवान, थैंक यू। श्री कल्कि शरणम, मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला खंडकपुर से हूँ। सेवक के रूप में मैं बिहार शरीफ में सेवा कर रहा हूँ और मैं 2012 से ही कल्कि की से जुड़ा, अम्मा भगवान से जुड़ा। और मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। एक चमत्कार ऐसा हुआ मेरे साथ कि हमारा बेटा बड़ा जो है, जिसका नाम सत्यम कुमार है, और उसका गला में कुछ जख्म हो गया था और डॉक्टर बोला एक टॉन्सिल पक गया। तो डॉक्टर से मिलने के बाद बोला कि इसको बहुत सारे ऑपरेशन कराना होगा, बहुत सारा पैसा खर्च है, जो कि मेरा समर्थ था उतना लगाने में। और इसी के बाद मैंने होम्योपैथिक दवाई भी चलाया था, एक साल चलाने, सवा साल डेढ़ साल तक मैं चला चुका, लेकिन वो ठीक हो जाता था और फिर हो जाता था, इसी तरह से चलते जा रहा था। लेकिन मैं पैसे का अभाव में ऑपरेशन को नहीं कराया। लेकिन हम नेमम गए और वहाँ गए थे, आरोगी पूजा दासा जी ने करा रहे थे, और आरोगी पूजा करा करके मैंने उसमें बेटा को भाग दिलाया और उसमें भाग लिया और आरोग्य दीक्षा वहाँ मिला, आशीर्वाद मिला। उसके बाद उस समय जिस समय मैं आरोग्य पूजा कराया, उस समय थोड़ा सा जख्म था, और ट्रेन से उतरने के बाद जो जख्म हमारे पहुँचे तो जख्म गायब हो गया। और आज डेढ़ साल हो गया है और आज तक उस जख्म वापस नहीं आया। मैं इसके लिए अम्मा भगवान को मैं सदा सदा आभारी हूँ। और मैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा बहुत चमत्कार हुआ। मैं, मेरा गैस का प्रॉब्लम था और उस गैस के प्रॉब्लम से मैं इतना बेचैन रहता था कि मैं चेन्नई भी जाता था तो ट्रेन पर एकदम अस्वस्थ रहता था, और मैं एक दिन में 100-100 रुपये का दवाई खा जाता था, फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता था। और आज मैं को नियमम और इनके प्रक्रिया में जाते आते जाते आते ऐसा हुआ कि गैस मुझे है ही नहीं, मैं कोई अभी दवाई नहीं खा रहा हूँ, और मैं अच्छे से पच रहा हूँ और मैं यहाँ से अच्छे से मतलब रह रहा हूँ। श्री कल्कि, थैंक यू अम्मा भगवान, थैंक यू अम्मा भगवान, थैंक यू अम्मा भगवान। परम ज्योति श्री कल्कि को कोटि कोटि धन्यवाद भक्तों के जीवन में इतने सारे अद्भुत चमत्कार करने के लिए। इस प्रकार से अगर हमारे जीवन में चमत्कार होना है तो हमें भगवान से सही प्रकार से मांगना आना है। पिछले बार हमने जो मन में आया वो एक वरदान मांग लिया, लेकिन इस बार हम सब कोई मिलकर आरोग्य के वरदान को मांगने वाले हैं। हाँ जी, कल्कि का आरोग्य वरदान। अगले कुछ दिनों के लिए आरोग्य के इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप में कैसे हम स्वस्थ बनना है, इसको हम जानेंगे भी और वरदान के रूप में हासिल भी करेंगे। कल्कि के इस आरोग्य वरदान को पाने के लिए हम सब कोई मिलकर 11 अलग अलग प्रकार के ज्ञान को हासिल करेंगे, और प्रक्रिया के अंतिम भाग में हम कल्कि को कलश में आवाहन करते हुए उनकी आराधना के साथ साथ उनकी आशीर्वाद को पाएंगे कल्कि की दिव्य चरण पादुकाओं के द्वारा। अगर ऐसी प्रक्रिया हमारे जीवन में फल प्रदान करना है तो सबसे पहला विषय है और वो है संकल्प। संकल्प जब तक हमारे भीतर दृढ़ नहीं होता, तब तक अम्मा भगवान की वो कृपा, कल्कि की वो अनुग्रह हम हासिल नहीं कर सकते। ये संकल्प आप सबके भीतर होना है कि हमें इस प्रक्रिया के द्वारा, चाहे वो हमारी शारीरिक या फिर वो हमारी मानसिक बीमारी हो, इससे हमें संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होना है। इस रोग से हमारा निवारण होना है या फिर हमारे स्वास्थ्य में सुधार होना है, ये संकल्प हमें हमारे भीतर बहुत दृढ़ करना है। सो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी पहले आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ एक दृढ़ संकल्प अपने मन में लीजिए।
चाहे वो आपके भीतर कोई भी व्याधि क्यों ना हो, शारीरिक बीमारी हो सकती है या फिर मानसिक भी हो सकती है। आंखें बंद कीजिए और चिंतन कीजिए कि किस प्रकार की रोग का निवारण आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर अभी आप स्पष्ट हैं कि आपको किस प्रकार की आरोग्य को पाना है। आपने अपनी तरफ से तो जो सोचना था, जो मन में निर्णय लेना था ले लिया, लेकिन ये निर्णय प्रक्रिया के अंतिम भाग में जाते जाते शायद आपके भीतर और भी अधिक स्पष्टता को प्रदान कर सकता है इस ज्ञान को सुनने के बाद। तो चलिए देखते हैं प्रक्रिया का दूसरा भाग। योर बॉडी इज नॉट योर बॉडी, केयर फॉर इट, डोंट अब्यूज इट। अर्थात आपका शरीर नहीं है, इसीलिए उसको संभालिए, ना कि उसको अनादर कीजिए। आज हमारे जीवन में कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ऐश्वर्य की समस्या है, भविष्य के बारे में चिंता है, पारिवारिक रिश्तों में दरारें हैं, समाज में जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो इन सभी का परिणाम क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हमारे तन पे और हमारे मन पे इसका परिणाम हो रहा है। हाँ जी, अम्मा भगवान कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में सुख और शांति के साथ हमें जीना है तो शारीरिक और मानसिक आरोग्य होना बहुत जरूरी है। शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य, अर्थात शरीर को जब हम सही प्रकार का आदर नहीं करते, उसको नहीं संभालते, तो शारीरिक बीमारी आती है। अब आप ही देखिए, आप सुबह कितने बजे उठते हैं और उठने के बाद क्या आप व्यायाम करते हैं? उठने के बाद ढेर सारा पानी पीते हैं? क्या आप अपने दिनचर्या में कुछ अच्छे ध्यान धारणा, योगा, आसन को करने का कुछ प्लानिंग किए हुए हैं? ठीक है, यहां तक तो ठीक ही है। शायद आप कर भी रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन भोजन का क्या है? क्या आप सकस आहार ले रहे हैं, सात्विक आहार ले रहे हैं, या चटपटा एकदम स्वादिष्ट भोजन के लिए, शाही भोजन के लिए आप लालायत रहते हैं? सोचिए किस प्रकार से हम अपने शरीर को संभाल रहे हैं। क्या आप सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, इस प्रकार की नियम को अपने जीवन में रखे हुए हैं? ये सारी चीजें देखने के बाद अपने आप आपको पता चलेगा कि इनमें से कोई भी चीज हम ढंग से नहीं करते हैं, या बहुत सारी चीज हम करते ही नहीं हैं, और इसीलिए अधिकतर लोगों को शारीरिक बीमारी आती है। शरीर की सही देखभाल न करने की वजह से आज हमें बीमारियां हैं। बच्चे, बहुत स्वस्थ रहना है, बहुत अच्छे रहना है, बहुत अच्छे दिखना है, इसलिए माँ बहुत ही प्यार से ढेर सारा घी डाल के खिला रही हैं, पेट भर के खाओ बेटा करके अच्छे से खिला रही हैं। लेकिन बहुत सारा खाने से आपको आरोग्य मिलता है, ये किसने कहा आपको? सही मात्रा में सही समय पे भोजन करना आवश्यक है। शाही भोजन ही करना है, ऐसे कुछ नहीं है। साधारण दाल, चावल, रोटी, साग, फल, इस प्रकार के कुछ आहार को अगर आप समय समय पर लेते रहेंगे उतना काफी है। इतना ही नहीं, इस शरीर में अम्मा भगवान कहते हैं 90% बीमारी मानसिक रूप में आती है, हमारी भावनाओं के वजह से। हाँ जी, भावनाएं जब हमारे भीतर दब जाती हैं, जब हमारे जीवन की कुछ पुरानी पुरानी घटनाएं हमारे भीतर रह जाती हैं, तब वो भी हमारे बीमारी का कारण बनता है।
बड़ी बड़ी बीमारियां उसी की वजह से निर्माण होती हैं। भावनाएं जैसे क्रोध, डर, चिड़चिड़, अपराध की भावना, अकेलापन, उदासीनता, ये सभी प्रकार की नकारात्मक जो भावनाएं हैं, ये हमारे तन को और मन को प्रभावित करती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है अधिकतर लोग यानी 90% लोग मानसिक रोगी हैं। बहुत बार आपने देखा होगा हृदय विकार के एक झटके के साथ कुछ लोगों का मृत्यु हो जाता है, वो ले नहीं पाते हैं उस दर्द को। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3 बार भी हृदय विकार का झटका आने के बाद, हार्ट अटैक होने के बाद बच जाते हैं, ठीक सही सलामत रहते हैं। क्यों ऐसे होता है, इस विषय में जब छानबीन करना शुरू किया तब पता चला जो लोग अपने काम से, जो लोग अपने जो भी जॉब कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, संतृप्त नहीं हैं, तो इस प्रकार के लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हृदय विकार की समस्या आ रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति आए थे हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। पूरा जीवन उन्होंने अपना सरकारी ड्यूटी करते हुए ईमानदारी के साथ बिताया। किसी भी प्रकार से कोई भी गरीब व्यक्ति आता है, कष्ट में है, तो ये हमेशा किसी न किसी प्रकार की मदद उनको करते थे, आर्थिक रूप में मदद करते थे या अन्य प्रकार से भी उनको मदद करके उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सहयोग करते थे। इतनी अच्छी व्यक्ति, पूरे जीवन में कभी एक गोली तक नहीं जिन्होंने खाया है, रिटायरमेंट के बाद अचानक करीब 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि दवाइयों के साथ दवाइयाँ, दवाइयों के बाद दवाइयाँ खाकर आज अभी भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इनके घर के लोग यही कह रहे हैं कि जीवन में कभी एक दवा नहीं खाया इस आदमी ने और कैसे अचानक ये बीमारी आई, किसकी नज़र लग गई इनको। दरअसल इसका कारण है इनकी भावनाएं, इनका मानसिक तनाव। सतत ये सोच रहे हैं और डर रहे हैं कि मेरा अब क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा। जीवन में कोई ध्येय नहीं है, हाथ में करने के लिए कोई काम नहीं है, जो जीवन भर मेहनत किया है आज वो व्यक्ति एकदम बेकार होके पड़ा हुआ है घर में। सुबह जाना है, थोड़ा सा टहलना है, बूढ़े लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करना है, इन सारी चीज़ों से ये व्यक्ति खुशी नहीं थे। जब प्रक्रिया में आते हैं और आरोग्य के वरदान में भाग लेते हैं तब इन सारी चीज़ों के प्रति उनको ज्ञान मिलता है, खुलासा हो जाता है और आज बहुत ही बेहतर उनका आरोग्य है। तो इस प्रकार की कई सारी भावनाएं जो हैं आज हमारे भीतर घर करके बैठ जाती हैं। जैसे एक महिला है, इनको पेट में दर्द है, सतत ये दर्द अलग अलग प्रकार के उपाय करने के बाद, इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। ये जब हमारे पास आते हैं प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तब किसी भी प्रकार से दर्द ठीक नहीं हो रहा है, ये अम्मा भगवान को पूछते हैं क्या कारण है हमारे इस दर्द का भगवान। तब भगवान इनको प्रक्रिया के दरमियान ये एहसास दिलाते हैं और कुछ घटना उनके जीवन की दिखाते हैं जहाँ पर वो पता चल जाता है उनको कि उनकी पेट की बीमारी का कारण क्या है। दरअसल इनके पिताजी की इच्छा के खिलाफ इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया था। ये बात इनके मन में खा रही थी इनको हमेशा ही। शादी जब करके वो आती हैं, पिता से आशीर्वाद नहीं मिलता है, पिता दुखी हो जाते हैं, कुछ सालों के बाद पिताजी गुजर भी जाते हैं। लेकिन ये सारी घटना इस लड़की के भीतर रह जाती हैं कि मैंने अपने पिता को दुख दिया, जो मुझे बहुत प्यार करते थे मैंने ऐसे पिता को दुख दिया, और ये घटना उनके मन में घर कर जाती हैं। ये घटना जब मन में घर कर जाती हैं तो इस भावना का उनके स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम होने लगता है और इसीलिए आज उनके भीतर ये बीमारी का रूप धारण कर लेता है। आज कितने प्रकार की हम दवाइयां खा रहे हैं उसके बावजूद भी हमको आरोग्य नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बीमारी का उपाय सिर्फ एक ही है। जब बीमारी आती है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, जो भी वो सलाह दे रहे हैं उसको जरूर पालन कीजिए, दवाइयाँ जरूर खाइए, लेकिन दवाई से अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आपको आपके भीतर इन भावनाओं में जाके देखना जरूरी है
कि कौन सी ऐसी भावना है जो मेरे भीतर घर कर गई है और जो आज बीमारी का रूप ले ली है। इसीलिए तो 90% अनारोग्य भावना के ऊपर है, मानसिक रोग का कारण बना हुआ है। यहाँ पर और एक महिला का हम उदाहरण बताएंगे। मुंबई में रहते हैं और इनका अचानक ऐसा समस्या आ जाता है जिसको वो किसी भी हालत में सुधार नहीं पा रहे हैं। ये महिला एक दिन सुबह उठते हैं तो सब जगह सब कोई बातें कर रहे हैं, सब काम हो रहा है, सब कुछ बढ़िया से सब हो रहा है, लेकिन इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई कुछ आकर इनको बोल भी रहा है तो ये कुछ समझ नहीं पा रही हैं। इनको पता चलता है कि इनके दोनों भी कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। बहुत उपाय किया इन्होंने लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब इस प्रकार की आरोग्य की प्रक्रिया कल की कृपा से कहीं हो रही थी, वहां आकर वो अम्मा भगवान के धाम में इस अनुग्रह को लेने के लिए बैठ जाती है कि किसी भी प्रकार से उनको ये समझ में तो आए कि क्या कारण है उनके बहरेपन का। प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तब वो देखती हैं कि उनके भीतर सतत एक चिड़चिड़ रहता था किसी की भी बात को सुनने के बाद। परिवार में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कभी कभी कि जिनकी बात हम सुनना नहीं चाहते, जिनकी बातों से हमें गुस्सा आने लगता है या हम चिढ़ने लगते हैं। तो ऐसे वक्त में मन ही मन में हम क्या कहते हैं, मुझे नहीं सुनना कुछ, आ गई बड़बड़ करने के लिए, फिर उपदेश देने के लिए, इनकी बातें ही नहीं सुनना मुझे। मजबूरी के मारे बाहर तो हम उनकी बातें सुनते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये महिला क्या कर रही है, अपने आप को बताए जा रही है, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। क्या हुआ, इनके भीतर की ये बात इनके कानों के लिए सत्य बन जाता है। मस्तिष्क से ये संकेत कानों की तरफ पहुंचता है और कान सुनना बंद कर देते हैं। ये शरीर जो है इन भावनाओं से प्रभावित हो जाता है और आज ये बहरे हो चुके हैं। अम्मा और भगवान की कृपा से आज आरोग्य के आशीर्वाद लेने के बाद, पादुकाओं को छूने के बाद, दोनों भी कानों को जब हाथ लगाती हैं, स्पर्श करके आशीर्वाद लेती हैं, उनको संपूर्ण आरोग्य मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये आरोग्य की वरदान इन्होंने अपने जीवन में पाया। इस प्रकार की कई सारी भावनाएं जो हैं आज हमारे भीतर घर करके बैठी हुई हैं। क्या करना है इन भावनाओं का और कैसे बाहर आए इन सारी समस्याओं से, अनारोग्य से, इसके लिए एक चीज हमें करना है, वो है माफी मांगना और माफ करना। हाँ जी, हर इन भावनाओं में कहीं ना कहीं अगर आप डरे हुए हैं, अपराध की भावना में हैं या फिर क्रोध में हैं, आप सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, एक तो उसे नाराज है या फिर आप उनको दुख दे चुके हैं, अगर आपने उन्हें दुख दिया है तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उनको माफी मांगे, या फिर आप उनकी वजह से दुख पाए हैं तो आप उन्हें माफ कर देना है। जब आप माफी मांगते हैं और माफ करते हैं तब कई हद तक अपनी इन सारी भावनाओं से आप मुक्त होते हैं, शांत होते हैं और क्षमा करने की एक ऐसी भावना आपके जीवन में आरोग्य को आपको प्रदान करती है। तो प्रक्रिया के इस भाग में आज हमने दो विषयों को सुना, पहला है संकल्प और दूसरा है क्षमा मांगना और क्षमा करना। ये दो विषय आज हमें यहाँ पर चिंतन करना है, क्षमा मांगना और क्षमा करना। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कौन सी ऐसी व्यक्ति है जो आपको चोट पहुंचाई है, या फिर कौन सी ऐसी व्यक्ति है जिसको आपने चोट पहुंचाया है, उनको अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, उनसे क्षमा मांगिए या फिर उन्हें क्षमा कर दीजिए। बंद आंखों में इस प्रायश्चित को इस क्षण कीजिए। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, माफी मांग लेंगे और माफ करेंगे, अम्मा और भगवान की कृपा आज अभी इसी वक्त आपके जीवन में बरसना शुरू हो जाएगी।
मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों क्षमा करूं, इस अहंकार से दूर रहिए और इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए। अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखते हुए परम ज्योति श्री कल्कि का, अम्मा भगवान का आशीर्वाद मांगेंगे। आंखें बंद रखेंगे। सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। श्री कल्कि भगवते समेत श्री कल्कि भगवते नमः। श्री कल्कि भगवते नमः। श्री कल्कि भगवते नमः। परम ज्योति श्री अम्मा भगवान, आरोग्य प्रदाता श्री अम्मा भगवान, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि। शांति, शांति, शांति। अम्मा भगवान को, परम ज्योति श्री कल्कि को, जो वैदेश्वर के रूप में आपको आशीर्वाद दिए हैं, उनको धन्यवाद देंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। कैसा लग रहा है आपको इस प्रार्थना को करने के बाद, इस चिंतन को करने के बाद? जो भी आपका अनुभव है जरूर हमें बताइए, और हमारे साथ साथ जिन जिन को आप जानते हैं उनको भी ये ज्ञान जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी प्रक्रिया के अगले ज्ञान को पाने के लिए और आशीर्वाद को पाने के लिए, आरोग्य के वरदान को लेने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। इंडियाज फास्टेस्ट गोइंग स्कूल चेन प्रेजेंट्स शेमफोर्ड स्कूल, जगनपुरा रोड, पटना। एडमिशन ओपन्स फॉर प्री नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8। Best school for the best education, and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 95340-98666.